दोस्तों यदि आपको भी पोको लॉन्चर पसंद है तो यहाँ पर पोको लॉन्चर को एक अपडेट मिला है 2.7.4.3 का, और ये एक बीटा अपडेट है। तो इसकी जो डाउनलोडिंग लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप इसे आसानी से यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएं। तो मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है, तो बात करते हैं इसके फीचर की। फीचर की बात करें उससे पहले वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा आपने, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी न्यूज़ आपको समय समय पर सबसे पहले मिल जाए। अब बात करते हैं इस पोको लॉन्चर की कि क्या कुछ नया चेंज हमें पोको लॉन्चर में देखने को मिला है। दोस्तों काफ़ी स्मूथ ये इसका जो काम है यहाँ पर हो गया है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम कर रहा है पहले के मुकाबले। जैसा कि मैंने यूज़ लिया अपने रेडमी K20 में और अब मैं फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ नोट 5 प्रो में, तो काफ़ी कमाल का यहाँ पर ये काम कर रहा है। अब बात करते हैं इसके एक जो फीचर नया निकल कर आया है मैं आपको बता देता हूँ, तो वो है ओपन सर्च वेन एंटर ड्रॉवर। तो ये एक नया फीचर है, इसे जैसे ही आप अनेबल करोगे, अनेबल करने के बाद जैसे ही आप ऐप ड्रॉवर को ओपन करते हो तो वैसे ही आप नीचे डायरेक्ट सर्च ऑप्शन पर आ जाते हो। तो ये एक चीज़ यहाँ पर नई आपको इस पोको लॉन्चर के अपडेट में देखने को मिल जाती है। बाकी इसके आइकॉन की बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव आइकॉन है। इसके अलावा इसके जो ऐप वॉलेट है वहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेंगे, सिंपल वही यहाँ पर है, कुछ भी ऐड यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं किया गया है। अब बात करते हैं इसके बग्स की, तो बग्स यहाँ पर लगभग सारे बग फिक्स हो गए हैं। सेटिंग की बात की जाए यहाँ पर सेटिंग में और इसके अलावा कुछ नया तो हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो इसकी स्मूथ है काफ़ी स्मूथ ये अब ये यहाँ पर पोको लॉन्चर काम कर रहा है। यहाँ से आप ऐप ड्रॉवर की सेटिंग को यहाँ से चेंज कर सकते हैं पोको लॉन्चर में, होम स्क्रीन को यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए नोटिफिकेशन बेस की, तो ये भी आप सर्कल और नंबर में आप सेलेक्ट कर सकते हैं पोको लॉन्चर अपडेट में। इसके अलावा गाइस बात की जाए कस्टमाइज़ की, तो आप कस्टमाइज़ भी अपने होम स्क्रीन को यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आइकॉन पैक की बात की जाए तो आइकॉन पैक में भी आप अपने डिफ़ॉल्ट या सिस्टम के जो भी आइकॉन पैक होते हैं वो यहाँ पर आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं इस पोको लॉन्चर में। तो काफ़ी कमाल का अपडेट आया है पोको लॉन्चर में, उम्मीद करता हूँ आपको लॉन्चर पसंद आएगा। डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, इंस्टॉल करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये पोको लॉन्चर का अपडेट कैसा लगा। थैंक यू गाइज आज का ये वीडियो देखने के लिए।